हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज ये मेकअप वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, और बड़ी खूबसूरत मेकअप है। और आजकल यार लोगों में बहुत टैलेंट है। ये जो ड्रेस है, इन्होंने ये खुद से रेडी करी है, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ड्रेस है। इनका नीचे लहंगा था और ऊपर ये ब्लाउज़ था, और ख़ुद से इन्होंने क्रिएट करी है। तो चलिएगा, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कमेंट डाउन करके यार ज़रूर बताइएगा कि आपको मेकअप कैसा लगा। तो हमारा मेकअप स्टार्ट होता है CTM से, और गाइस CTM जितना अच्छा होगा मेकअप उतना ही ग्लो लेकर आएगा। स्किन कैसी भी हो, ड्राई हो, ऑयली हो, जैसी भी स्किन हो, पर आपको CTM जो है वो बहुत परफेक्ट करना होगा और अच्छे से करना होगा। तो CTM के मेरे 3 प्रोडक्ट, सेटाफिल और गुड वाइब्स का ग्रीन टी का मेरा टोनर था, और यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। आप निविया हो, निविया भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा थ्रेड का देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ड्रॉ करी है। एक जो लाइन क्रिएट करनी है हमें, वो आप नीचे से कर सकते हैं, और जो ऊपर की लाइन है वो ऊपर से कुछ स्पेस छोड़ के ही आपको करना और फिल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि एक नेचुरल लुक आ रहा है। उसके बाद में हम यूज़ कर रहे हैं कंसीलर, और कंसीलर यूज़ कर रहे हैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे मैबलिन का, और शेड नंबर 02। इसके बाद में हमें ये फ़िक्स करना बहुत ज़रूरी होता है गाइज़, और फ़िक्स करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फिट भी मैबलिन का ही हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है, और शेड नंबर है आइबडेरी। तो जो आज मैं आईज़ मेकअप देने वाली हूँ, वो आईज़ दे रही हूँ मैं ब्लू, इनकी ड्रेस थी तो स्मोकी आईज़ दे रही हूँ। तो हल्का सा मैं हमने लाइट ब्राउन कलर लिया है और आईज़ पे ब्लेंड कर लिया। गाइज मेरी वीडियो थोड़ा फास्ट हो जाती है, क्या करें कि वरना बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग ब्रश हमें किस तरह से चलाना है, और उसके बाद में ना एक डार्क शेड लेके और अपनी कट क्रीज आईज़ जो होती है ना, कट क्रीज जहाँ से हमारा कट लगता है आईज़ में, वहाँ पे हमें एक डार्क टोन दे देना है। और डार्क टोन देने के बाद में आज मैं विदाउट काजल के बता रही हूँ कि आप विदाउट काजल के किस तरह से अपना आईज़ का मेकअप दे सकते हो। तो यहाँ देखिएगा कि मैंने जो ब्लू कलर है वो आई शेडो पैलेट से मैंने ऐसे ही लिया और डैप डैप करके मैंने लगा दिया। कोई अभी ब्लेंडिंग नहीं करी है, सिर्फ डैप डैप करके अपना जहाँ तक कट क्रीज का मैंने डार्क शेड दिया था वहीं तक मैंने ये कट क्रीज का यूज़ करा है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर कितना ऑसम लग रहा है, और थोड़ा सा ये मैटी भी था, और हल्का सा इसमें सिमरी, बहुत लाइट सिर्फ शाइन वाला सिमरी था कि उसमें शाइन आ रही थी। और आप देख सकते हैं वो कितना खूबसूरत लग रहा है ना ब्लू कलर। और इसके बाद में हम हल्का सा उसे ब्लेंडिंग देंगे, हल्का सा ब्राउन कलर से, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन कलर से। आज मैं ये स्पेशल है कि मैं आज इन्हें विदाउट काजल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर ये ब्लेंड करने के बाद में, और इसके बाद हमने ब्लू कलर का ही सिमरी वाला लिया है और आई शेडो पैलेट से ही लिया था, और उसको हम डैप डैप करके फिंगर की हेल्प से डैप डैप कर रहे हैं, थोड़ा सा शाइन पार्ट रहे। तो आप देख सकते हैं कि उनकी आईज़ कितनी खूबसूरत लग रही थी। और गाइज़ एक और चीज़ मैं आपको बताना जा रही हूँ कि जब भी हम कोई डार्क कलर की आईज़ करते हैं ना, तो उसका प्रोडक्ट नीचे हमारा लग ही जाता है। तो इसे पहले ही आप आईज़ मेकअप करें, बाद में मेकअप करें। आप जिसे देख सकते हैं, आप मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया, और जो भी हमारा प्रोडक्ट ब्लू कलर का लगा हुआ था वो कॉटन के हेल्प से मैंने रिमूव कर दिया है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो वो मेकअप के साथ ब्लेंड होगा, और कहीं ना कहीं वो अपना कलर आपको मेकअप में अपना दिखाई देगा, तो जिससे कि मेकअप जो है आपका वो ख़राब हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर भी कोई भी डार्क आपने शेड लिया है, तो उसे आप मॉइस्चराइज़र की और कॉटन की हेल्प से उसे रिमूव कर दें, तभी आपका एकदम मेकअप अच्छा होने वाला है। इसके बाद में हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमर, और प्राइमर लिया है हमने फेस कनाडा का, और फेस कनाडा के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं गाइज। और हमने यहाँ हाईलाइट करी अपनी आईज़, और हाईलाइटिंग पॉइंट करने से देख रहे हो आप कितना अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है हाईलाइट करने से ही। तो यहाँ हाईलाइट पॉइंट भी आपको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा येलोइस गोल्डन था मेरा, वो मैंने शेड यूज़ करा है, और हल्के से इनके डार्क सर्कल थे, तो डार्क सर्कल के लिए मैंने लिया है क्रैलॉन सुप्रा का 303। आप ये ले सकते हैं गाइस, और अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। उसके बाद में आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे, बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद में गाइस, जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे, इतना भी नहीं कि पूरा प्रोडक्ट ही गायब कर दो, कि ब्लेंडिंग इतनी अच्छी हो ना कि स्मूथ एकदम स्किन हो जाए, इस तरह से आपको ब्लेंड करना है वो।
और ब्लेंड करने के बाद में जो भी उनके स्किन टोन का शेड है आप वो शेड उन्हें यूज़ करें। तो यहाँ मैं शेड नंबर ले रही हूँ FS 28 इनके स्किन टोन से मैच हो रहा था। मैं हमेशा उनके स्किन टोन पे मैच करके ही प्रोडक्ट लगाती हूँ। जो भी क्लाइंट मेरी आती हैं मैं स्किन टोन पहले देखती हूँ, उसके बाद ही मैं प्रोडक्ट लगाती हूँ। ये नहीं कि आपका कि इंसान का सामला है और आप टोन जो है वो हमेशा जो है वो स्किन टोन को ही देख के आप प्रोडक्ट लगाएंगे। आप स्किन टोन जब भी देखेंगे ना कलर को लगा के, तो आप अपना चिन से और नेक की तरफ लेके जाएंगे, तो वहाँ से आपका मैच कर सकते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट उनके टोन का है और उसी को ही आप करें हमेशा ही। ये नहीं कि आप डार्क टोन हैं और फेयर टोन लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि उनका या तो मेकअप ग्रे पड़ जाएगा या ब्लैक पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप फेयर टोन लगा देंगे तो वो गोरे दिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। तो मेकअप का ना ये स्किल होता है कि आप जो भी उनका टोन है आप टोन के अकॉर्डिंग ही लगाएं, ज़्यादा फेयर करने की कोशिश ना करें। तो यहाँ मैं हाईलाइट करने के लिए ले रही हूँ FS 22, और देखिएगा मैं विदाउट कंसीलर, मैं हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि आप कंसीलर से ही उनका हाईलाइट पॉइंट दें, आप जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आप उससे भी हाईलाइट पॉइंट दे सकते हैं गाइस। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप कंसीलर होगा आपके पास तभी आप हाईलाइट करेंगे, तो आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं गाइस। मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए मिलती रहे और आप लोग बहुत कुछ मेरे से सीखें। और अपने दोस्तों के साथ भी अपनी मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और देखिएगा यहाँ पे ना हमेशा आप ब्लेंड करने के बाद ही प्रोडक्ट लगाएं, वरना गाइज आपकी फाइन लाइन पड़ जाएंगी और वहीं से मेकअप कैकी कैकी लगेगा। आप ये वाला मेकअप आप लॉन्ग लास्टिंग जितने टाइम चाहो आप 12 घंटे तक ये मेकअप आपका ऐसे ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप टेक्निक आपकी अच्छी होगी तो आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला है और प्योर वाटर प्रूफ मेकअप है ये समर के लिए। आप गर्मियों में सुप्रा यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप क्रैलॉन डर्मा ले सकते हैं, पर अब जैसे ही ठंडियाँ स्टार्ट हो गई तो आप ये सुप्रा से अब कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया था ब्लैक कलर और मैंने ईयरवर्ड से जो है उनका ब्लेंड करा है, और मैंने भी यहाँ पे भी मैंने ब्लू कलर लिया है। काजल हमारा ब्लैक कलर का था, पर जो मैंने आई शेडो पैलेट से प्रोडक्ट लेके वो ब्लेंड कर रही हूँ वो मैंने ब्लू ही लिया है। और आज मैंने आइज़ के कॉर्नर तक इनको काजल दिया है, मैं ना यहाँ कोई लाइनर यूज़ कर रही हूँ ना कुछ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप विंक वाली स्मोकी आइज़ देते हो तो आप लाइनर का यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ मैं लाइनर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और यहाँ हमने कर लिया अपनी आइज़ को हाईलाइट, और हाईलाइट करने से अरे यार क्या मतलब आँखों के ना चार चांद लग जाते हैं हाईलाइट पॉइंट लगाती। और मैं आइज़ में दे रही हूँ वाइट काजल, और वाइट काजल इनकी आँखों में बड़ा ही छजरा था, और मुझे स्पेशली वाइट बहुत पसंद है आइज़ के लिए ना, कि जिनकी छोटी आइज़ हैं वो स्पेशली वाइट काजल लगाएं तो उनके आंखें थोड़ा बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र, मैंने कंटूर नहीं दिया था तो ओनली मैं ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ। ब्रॉन्ज़र से भी काफ़ी अच्छा मेकअप आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कंटूर करें तभी कर पाएंगे, उसके बाद में आप ब्लेशर। और आज देख सकते हैं मैंने ना चिक पूरे चिक पे आप जो है वो नहीं दिया था, ब्लशर नहीं दिया है, सिर्फ मैंने आज इनका डायमंड फेस जैसा करा है तो हल्का सा नोजी पे दिया था और हल्का हल्का मैंने दिया था और बहुत लाइट दिया था, ज़्यादा मैंने हाईलाइट सॉरी ब्लशर नहीं दिया था। और इसके बाद में हम यूज़ कर रहे हैं मियोन का हाईलाइटर, और उसके बाद में एक और हम हाईलाइटर यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा बैक्ड हाइलाइटर, और उससे भी ऑसम ग्लो आने वाला है। आप देख सकते हैं इसके हाईलाइट पॉइंट कौन कौन से होते हैं, तो आप हाईलाइट पॉइंट भी देखें, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप हाईलाइट लगा देंगे तो हाईलाइट पॉइंट भी होते हैं वहीं पे आप हाईलाइटिंग करें। उसके बाद में हम लिपस्टिक दे रहे हैं डार्क कलर की वाइन कलर की। गाइस एक और चीज़, इन्हें यहाँ ये पसंद थी लिपस्टिक इसलिए मैं इन्हें वेयर कर रही थी, इन्होंने बोला था मैम मुझे ये वाली लिपस्टिक लगानी है। पर आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप जब भी आइज़ अपनी डार्क शेड में दे रहे हो तो आप लिपस्टिक लाइट शेड में दोगे, अगर लिपस्टिक आपकी डार्क शेड है तो आप आइज़ को लाइट शेड में दोगे। पर क्लाइंट की चॉइस थी कि उन्हें लिपस्टिक यही वेयर करनी है तो इसलिए मैंने लिपस्टिक ये वाली लगाई, पर वैसे ज़्यादा ऑड नहीं लग रहा था और मेकअप ऑल ओवर जो है वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी मेकअप होने के बाद में। और गाइज मैंने हाईलाइट सॉरी मैंने जो है आपको हेयर स्टाइलिंग की वीडियो नहीं दी है,
तो मैं आगे से हेयर स्टाइल इसमें नहीं दिखा रही हूँ, आगे से मैं आपको हेयर स्टाइल की वीडियो डालूंगी कि इनका हेयर स्टाइल कैसे करा था। यहाँ मैंने इनके आईलेसेस वेयर कर दिए हैं और आईलेसेस मेरे लगाने के बाद मैं बहुत अच्छी लग रही थी उनकी आईज़ ना, आईलेसेस से ग्लो ही अलग आ जाता है कि वो बड़ी बड़ी आईज़ और ज़्यादा बड़ी दिखने लगती हैं। और आपको अच्छे से सेट करना है, इसके बाद में हमारी क्लाइंट रेडी हो चुकी हैं। तो कमेंट डाउन करके गाइस ज़रूर बताइएगा कि आपको मेकअप कैसा लगा और हेयर स्टाइल भी देखिएगा, और बड़े ही खूबसूरत लग रही थी वो। आई होप सबको मेरी वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।